नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में आज होली खूब धूमधाम से खेली जा रही है और बिहार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है लालू यादव की कुर्ता फार होली को लेकर। वैसे तो बिहार में कई तरह की होली खेली जाती हैं, जिसमें कीचड़ से लेकर गोबर का स्नान भी करा दिया जाता है, लेकिन लालू यादव की जो होली है वो कुर्ता फार होली बिहार की राजनीति से लेकर पूरे देश में बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसे कवर करने के लिए सभी मीडियाकर्मी हमेशा से मौजूद रहते थे। लेकिन इस बार लालू यादव बिहार में तो थे, लेकिन अब वो दिल्ली चले गए हैं। तो दिल्ली में दरअसल तेजस्वी यादव की बेटी है, यानी लालू यादव की पोती कात्यायनी, उनका जन्मदिन है। तो जन्मदिन मनाने के लिए लालू यादव दिल्ली रवाना हो गए कल, और तेजस्वी यादव भी कल साथ में थे। और दिल्ली एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो मीसा भारती जो हैं वो उन्हें रिसीव करने आई थी, और उसके बाद जो है यहाँ बिहार में अब लालू यादव नहीं है, तो लालू यादव की जो परंपरा है उसको आखिर कौन निभाएगा? तो तेजस्वी यादव यानी अर्जुन जो उपाधि देते हैं, तेज प्रताप उनके बड़े भाई, वो अपने आप को कृष्ण का अवतार कहते हैं, कृष्ण रूप में हमेशा नजर आते हैं। इस बार जो है उन्होंने लालू यादव की भूमिका निभाई है बिहार में, और एक अनोखे अंदाज में तेज प्रताप आपको नजर आ रहे होंगे। आप विजुअल्स के माध्यम से देखिए कि किस तरीके से तेज प्रताप जो हैं वो गाना गा रहे हैं होली का, और साथ में जो है पत्रकार लोग उनसे सवाल भी कर रहे हैं और उन पर भी रंग जो है रंगों की बौछार तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। और उनका ये अनोखा अंदाज काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और लोकप्रिय भी हो रहा है। दरअसल तेज प्रताप यादव रंग तो खुद लगाए हुए हैं, साथ में चारों ओर जो है समर्थक उनके मौजूद हैं, साथ ही उन्होंने एक बच्चे को गोद में उठाया है जिसके बदन पर कपड़ा तो नहीं है, लेकिन वो भी होली में मदमस्त है, और तेज प्रताप यादव भी। और होली पर जो है उन्होंने पूरे बिहारवासियों देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं, और साथ ही जब सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार को रंग लगाएंगे, तो वो बोले जिनके पास हम नहीं पहुंच पाए हैं उनको यहीं से होली मुबारकबाद कहते हैं, और राजनीति पे सवाल करने पे तो राजनीति पे वो बोले आज होली का मौका है तो होली के मौके पर राजनीति की बात हम नहीं करेंगे। सम्राट चौधरी वाले बयान पर भी पूछा गया, उस पर भी तेज प्रताप ने कहा कि हम आज कोई भी बयान नहीं देंगे, पॉलिटिकल जो भी चीज़ है, आज मेरे दिमाग में बस होली ही है, होली है, और हाँ नौजवानों को रोजगार मिले अगर कोई मुद्दा जानना ही है तो। उस पर उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि यहां बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले। तो ये कुछ कह रहे थे तेज प्रताप यादव। आप भी देखें किस अंदाज में वो होली गा रहे हैं और होली खेल रहे हैं। तो जिस प्रकार से लालू यादव बाबा हरिहर नाथ का गाना होली में गाते थे, उसी अंदाज में तेज प्रताप यादव भी गाने को गुनगुना रहे हैं। आप भी सुनिए। पटना के सभी मीडिया तमाम लोगों में होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं देने का काम करता हूं, और बिहार के लोगों को और देश के लोगों को सभी लोगों को मैं होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं देने का काम करता हूं। पूरे भाईचारे के साथ इस महान पर्व को मनाने का काम करेंगे, यही शुभकामना सभी लोगों को।
चुनाव भी है और चुनाव अभी अपने जगह पे है, लेकिन अभी त्यौहार मना रहे हैं सभी लोगों के साथ, सभी छात्र के, सभी अपने संगठन के लोग, सब लोग जुट हैं और यहाँ पे इस पावन पर्व को हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, लोग ठंडा ही पी रहे हैं, अबीर लगा रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। तो जो हमारे पिताजी की जो परंपरा रही है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपकी होली एकदम अलग होती है तेज प्रताप जी, पूरे मतलब नेताओं में कहा जाता है सबसे अलग दिखती है होली आपकी। हाँ, होली तो हमारा यूनिक रहना चाहिए, कुछ तो आदमी का अलग होना चाहिए, तो डिफरेंट रहता है। तो साल में एक बार आता है तो इसको लोग एकजुट होकर के प्रेम भाव से इसको मनाने का लोग काम करता है। नीतीश कुमार को रंग लगाना चाहेंगे? सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं हैं, सभी लोगों को, जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जिनके पास नहीं पहुँच रहा हूँ मैं, तो मैं उनको यहीं से प्रणाम करता हूँ, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब पॉलिटिकल बात अभी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन होली का त्यौहार है और होली में तेज प्रताप जी, होली में भी तो सियासत हो ही रही है, सम्राट चौधरी लगातार बयान देते ही रहते हैं। अब वो क्या देते नहीं देते हम उन पर नहीं जाना चाहते। होली है, होली में हमारे दिमाग में एक ही बात है कि नौजवानों को रोजगार मिले बस। तो आपने देखा कि तेज प्रताप कितने अनोखे अंदाज में होली खेल रहे हैं, पत्रकारों के साथ भी खेल रहे हैं, किसी भेदभाव के रहित जो है, यानी भेदभाव नहीं अपनाते हुए होली खेल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लालू यादव की परंपरा को उन्होंने बताया भी कि मैं उनको निभा रहा हूं। फिलहाल जो है लालू यादव दिल्ली में हैं और तेज प्रताप यादव वहाँ साथ नहीं जा पाए हैं, क्या कारण है ये नहीं बता सकते हम, लेकिन तेज प्रताप यादव जो है होली में रंग यहाँ पे जमा चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा। और अभी बस इजाज़त दें, धन्यवाद, और ताज़ातरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप दर्श न्यूज़ पे बने रहें और सब्सक्राइब कर लें।